नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मवर्क। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। फॉर्मवर्क क्या है? फॉर्मवर्क एक टेम्पररी परमानेंट टाइप का एक मोल्ड है, जिसमें कंक्रीट या फिर कोई भी सिमिलर मटेरियल है उसमें पोर किया जाता है। ये कंक्रीट को जब तक उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ आता नहीं, तब तक उसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको सपोर्ट को हम फॉर्मवर्क बोलते हैं। जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, चारों तरफ से उसको सपोर्ट देते हैं, उसमें कंक्रीट पोर करते हैं और उसको कंक्रीट का स्ट्रेंथ जब तक नहीं आता तब तक वो फॉर्मवर्क बना रहता है, और उसको डिजायर स्ट्रेंथ आने के बाद कुछ सर्टन पीरियड के बाद वो फॉर्मवर्क निकाल देते हैं। अभी फॉर्मवर्क जैसे जैसे फॉल्स वर्क टाइप है, सपोर्ट्स है, जैसे शटरिंग मोड्स का सपोर्ट होता है। शटरिंग ये फॉर्मवर्क का एक टाइप होता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क्स। इसमें अभी तीन टाइप के फॉर्मवर्क्स है। सबसे पहला है वुडन फॉर्मवर्क, दूसरा है स्टील फॉर्मवर्क और तीसरा है एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। ये तीन मेजर फॉर्मवर्क टाइप्स हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम आगे बायफर्केट करेंगे। इसमें जो तीन जो बताए उसमें से जो वुडन फॉर्मवर्क है और ये जो स्टील फॉर्मवर्क है, जैसे स्टील प्लेट्स वगैरह लगाते हैं, इसको हम कन्वेंशनल बोलते हैं, जैसे कन्वेंशनल टाइप का फॉर्मवर्क है। और ये जो तीसरा है यह है एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, जिसको हम मायवन या फिर एल्यूफॉर्म बोलते हैं। ये सारे फॉर्मवर्क का जो भी मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में कंसीडर करते हैं। अभी हम बात करेंगे वुडन फॉर्मवर्क्स। वुडन फॉर्मवर्क में जनरली प्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 12 mm हो गया या फिर 18 mm थिकनेस का प्लाई हो गया। उसके साथ ही वो सपोर्टिंग के लिए बैटन्स लगते हैं, जैसे 2 इंच से 3 इंच 4 इंच के बैटन्स लगते हैं। वो बैटन से वो प्लाई को सपोर्ट करके उसको शटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही वो जो सपोर्टिंग है उसके लिए बाम्बू या फिर उसको यूज करते हैं, जैसे स्टेजिंग हो गया, सपोर्टिंग हो गया, स्लैब के लिए, बीम के लिए या फिर कॉलम के लिए। इसके साथ वुडन फॉर्मवर्क के सपोर्टिंग के लिए प्रॉप्स, पैंस, पाइप्स, क्लैंप्स और जैक्स का भी इस्तेमाल होता है। जहाँ तक रिपीटेशन की बात है, अगर 12 mm का प्लाई हम यूज़ कर रहे हैं तो हम 12 repetitions ले सकते हैं, या फिर मतलब जो प्लाई हो 12 बार यूज कर सकते हैं। जबकि अगर 18 mm का प्लाई हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम 18 टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, या फिर 18 repetition हम उसका ले सकते हैं। इसका हम इधर स्केच देख सकते हैं, ये पूरा एक वुडन फॉर्मवर्क का आप स्केच देख सकते हैं। पूरा ये बैटन्स वगैरह यूज किया गया है, इधर प्लाई का भी इस्तेमाल किया गया है। अभी हम बात करेंगे स्टील फॉर्मवर्क्स की। स्टील फॉर्मवर्क इधर आप स्केच में देख सकते हैं, ये पूरा स्टील प्लेट्स यूज किया गया है, अंदर बोल्टिंग से इसको स्क्रू लगा करके टाइट किया गया है और पाइप से या फिर प्रॉप से उसको सपोर्ट किया गया है। अभी स्टील फॉर्म में कौन कौन सा है? स्टील प्लेट का ज़्यादातर यूज होता है, स्टील प्लेट्स। उसके बाद सपोर्टिंग के लिए कपलॉक सिस्टम है, एज फ्रेम्स है, ये अलग अलग टाइप का उसका सपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर प्रॉप्स है, स्पैंस है, पाइप्स है, क्लैंप्स है, जैक्स है, ये सब स्टील शटरिंग में, स्टील फॉर्मवर्क में यूज किया जाता है। ये स्टील प्लेट का रिपीटेशन जनरली 30 कंसिडर करते हैं। ये रिपीटेशन वो मटेरियल या फिर प्लेट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है, वो कैसा क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड है, या फिर उसको किस तरह से यूज़ किया गया, कैसा मेंटेन किया रखा गया है उसके ऊपर रिपीटेशन डिपेंड है। अभी हम तीसरा पार्ट करेंगे, वो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क इसमें एक मायवन टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब बहुत सारे घर बनाना है कम टाइम में बनाना है, और इसमें जहाँ रूम साइज वगैरह है वो एक स्टैंडर्ड है या फिर सेम सिमिलर है, तो
तो उसने सिर्फ वॉल्स और स्लैब्स बना करके एक कंटिन्यूस पोर या फिर एक कंटिन्यूस फ्लोर हम कंक्रीट का बना के उसको कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें रिपीडिटी अगर बिल्डिंग लेआउट्स है तो उसके लिए बहुत ही बेटर माना जाता है। ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क है इसका एक यूनिक सिस्टम है। ये इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे बिल्डिंग के स्लैब, बीम, वॉल, कॉलम, स्टेयरकेस, बालकनीज, स्पेशल विंडो, ये सारी कंक्रीट के हैं जिसमें अलग टाइप का ब्लॉक वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेनली वॉल्स ही ज्यादातर कंक्रीट के ही बने रहते हैं, इसलिए ब्लॉक वर्क या फिर मैसनरी वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। इसमें रिपीटेशन हम 150 तक कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो भी मटेरियल रहेगा, ज्यादातर मटेरियल अभी भारत में भी आता है, कुछ मटेरियल बाहर से भी आता है। इसमें आप एक स्केच देख सकते हैं एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का। इसमें आप इधर साइड में देखेंगे एक्सटीरियर कॉर्नर है, ये इंटरनल सॉफिट कॉर्नर है, इसके बाद ये डेक पैनल है, ये वॉल पैनल है, फिर ये वॉल टाइल्स है, ये सॉफिट लेंथ है, और ये टॉप पैनल है, और ये इंटरनल एक पूरा कॉर्नर है। अभी हम देखेंगे फॉर्मवर्क का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ पेरिफेरियल लेंथ, फॉर्मवर्क का कैलकुलेशन जैसे पूरा सरफेस एरिया के हिसाब से या फिर पेरिफेरी के हिसाब से होता है। अब ये पेरिफेरियल लेंथ या फिर हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या है, जो डिस्टेंस अराउंड टू डायमेंशनल शेप जो भी रहेगा पूरा सराउंडिंग। अभी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से उसका जो पेरीमीटर रहेगा वो साइड एस के हिसाब से रहेगा। इधर आप स्केच में देख सकते हैं 4s, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस इज इक्वल टू 4s। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो शटरिंग का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4s मतलब चारों साइड इसमें कंसिडर करते हैं। इसके बाद है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × एल प्लस बी, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ए रेक्टेंगल एल और बी ये चारों साइड हम कंसिडर करते हैं 2 × एल प्लस बी, एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है 2 π r, आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड मतलब एस स्क्वायर बोल सकते हैं। शटरिंग एरिया अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले शटरिंग एरिया टोटली स्क्वायर मीटर में कंसिडर करते हैं, उसका रेट एनालिसिस करते समय या फिर मेजरमेंट लेते समय स्क्वायर मीटर में कंसिडर या फिर स्क्वायर फीट में आप बोल सकते हैं कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पेरिफेरियल लेंथ मालूम होना जरूरी है। किसी भी शेप का कॉलम हो, बीम हो, उसका पेरिफेरल लेंथ होना जरूरी है। उसके बाद में उसका लेंथ डेप्थ या फिर लेंथ जो भी है वो होना भी जरूरी है। अभी किसी भी साइड एक मेंबर स्ट्रक्चर का जैसे स्लैब, बीम, कॉलम है तो उसके लिए 6 साइड्स रहता है। जैसे 4 साइड हो गया टॉप और बॉटम में से 6 साइड होते हैं। तो शटरिंग एरिया कैलकुलेट करते समय 2 मेथड है। पहला है जो फॉर्मूला मेंशन किया गया है, जैसे हर साइड का एक फॉर्मूला निकाल के बाद में टोटल करना है, और दूसरा मेथड है कि टोटल जो साइड्स है उसको इकट्ठा कर एक साथ करके उसको लेंथ या फिर डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है। अभी शटरिंग एरिया देखिए पेरिफेरल लेंथ इनटू डेप्थ या फिर लेंथ आप बोल सकते हैं। अभी कॉलम का शटरिंग एरिया कैसे निकालते हैं। कॉलम का शटरिंग एरिया इधर आप फिगर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये ऊपर का जो है वहां से कॉन्क्रीट पोर होता है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करना है, और नीचे स्लैब में रहता है इसलिए इसको भी कंसिडर नहीं करना है। तो कॉलम का शटरिंग का फॉर्मूला ऐसा है, कॉलम का जैसे टॉप सरफेस है वहां कॉन्क्रीट पोर करते हैं और बॉटम सरफेस ग्राउंड को फिक्स रहता है, तो इसलिए टॉप और बॉटम नहीं आता, सिर्फ 4 साइड ही आता है।
तो उस हिसाब से फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे अभी एल और ब्रेथ, जैसे एल और बी हमने कंसिडर किया, तो इस हिसाब से एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, या फिर 2L+2B बोल सकते हैं। तो शटरिंग एरिया कैसे आ गया, पेरिफेरल लेंथ इंटू डेप्थ, पेरिफेरल लेंथ इंटू डेप्थ। तो उस हिसाब से इसका कॉलम का गया, इधर डायमेंशन दिया हुआ है 4 मीटर डेप्थ है, 0.8 मीटर लगा है और ये 0.6 मीटर है। तो 2 × 0.8, 2 + 2 × 0.6, ये 2 × 0.8 + 2 × 0.6 इज इक्वल टू 1.6 + 1.2 इज इक्वल टू 2.8 स्क्वायर मीटर। इधर आपने कहा देख ली, ये दोनों साइड है और ये दोनों साइड है, 0.8 ये 0.6। तो उस हिसाब से, और इसको हम बाद में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डेप्थ है डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉलम का शटरिंग एरिया आ गया 2.8 × 4 इज इक्वल टू 11.2 स्क्वायर मीटर। ये बहुत इजी है। वैसे ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, ये दोनों का पेरिफेरल लेके इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है। तो उसी हिसाब से कॉलम का शटरिंग आता है। अभी अगर कॉलम सर्कुलर है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे 2πr × डेप्थ, 2πr इज इक्वल टू पेरिफेरी इंटू डेप्थ। अभी हम देखेंगे बीम का शटरिंग एरिया कैसे निकालते हैं। बीम का शटरिंग एरिया निकालते समय जो 6 साइड्स है, 6 साइड्स में से जो टॉप साइड है वो कंक्रीट पोर करने के लिए रहते हैं, इसलिए इसका एरिया कंसिडर नहीं करते, तो 5 साइड बचते हैं। तो इसमें दिखाया है फेस 1, इसके बाद फेस 2, इधर फेस 2, फिर फेस 3 हो गया, फिर फेस 4 और बाद में फेस 5। उस हिसाब से ये अलग अलग एरिया निकाल के उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखिए 5 साइड्स हो गया। अभी शटरिंग पूरा इंडिविजुअल एरिया निकाल के ईच फेस का उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखिए इधर L × B, मतलब फेस 1 का हो गया 0.8 × 4, 4 मीटर लेंथ है, ये 0.8 मीटर डेप्थ है इसके हिसाब से, और ये 0.6 मीटर विड्थ है। फेस 2 का हो गया L × B 0.6 × 4, फेस 3 का हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B इज 0.8 × 4 3.2, फेस 4 का हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B 0.8 × 0.6 0.48, और फेस 5 का हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B इज 0.8 × 0.6 0.48। टोटल एरिया ऑफ शटरिंग आ गया 3.2 + 2.4 + 3.2 + 0.48 + 0.48 इज इक्वल टू 9.76 स्क्वायर मीटर। इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, ये अगर बीम अगर स्लैब के साथ में है, स्लैब के एंड में है, तो उस हिसाब से स्लैब का जो भी थिकनेस है वो उसके बीम के वर्टिकल साइड से माइनस करना है। अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शटरिंग फॉर स्लैब। स्लैब का क्वांटिटी निकालते समय ये ध्यान में रखना कि स्लैब जो कि बीम के ऊपर रेस्ट होता है, तो जो इसका साइज रहता है, साइज का भी कभी बीम में ही कंसिडर किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे स्केच के हिसाब से बीम और कॉलम, जैसे स्लैब में भी पोरिंग, जैसे हम ऊपर से पोरिंग करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को सिर्फ एक बॉटम का डायमेंशन या फिर एरिया कंसिडर करना है। अभी तो बिलो मेंशन वैल्यू जो भी कंसिडर किया है शटरिंग ऑफ स्लैब, ये देखिए L × B मतलब बॉटम एरिया जो भी है 5 × 4 इधर दिखाया गया है। तो बॉटम एरिया आ गया 5 × 4 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। इस हिसाब से स्लैब का शटरिंग हम निकालते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि फॉर्मर कौन कौन से टाइप का है, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसका क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।